अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बहुत अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत मज़ेदार सा कीमा कचनार बनने वाला है। कचनार की सब्ज़ी जो है वो आज कल बाहर के मौसम में ये तकरीबन सब्ज़ी वालों के हर शॉप पे मिल जाती है और बहुत मज़े की बनती है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं, ये शुगर के लिए भी बहुत मुफीद है। इसमें आयरन भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और दूसरे विटामिन भी इसमें बहुत होते हैं जो हमारे जिस्म की कमी को पूरा करते हैं और इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। आजकल वैसे भी कोरोना वायरस है, इसके ख़िलाफ़ आप अच्छी अच्छी और ताकतवर जो ग़िज़ाएँ हैं वो इस्तेमाल करें ताकि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम आपका बरकरार रहे और आप लोग अच्छे से इसका मुकाबला कर सकें वायरस का। देखें, आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर होने वाली है, इसे मिस ना कीजिएगा और शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर 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 देखिएगा। चलिए आइए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। को हमने अच्छी तरह से अब वाश कर लेना है। वाश करके हमने इसे पहले बॉयल करना है और इसका बॉयल करके हमने सारा पानी फेंक देना है। फिर हमने कीमा जो है अच्छी तरह भूनना है। कीमा भूनकर हमने उसमें इसको डाल के दम दे देना है। चलिए आइए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखें, बॉयल करके ऐसे हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, सारा पानी इसमें से निकाल देंगे और इसे हमने कीमा भून के इसमें डाल देंगे। देखें, इसको हम ऐसे भिंडियों की तरीके से इसको हम फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, डीप फ्राई भी नहीं करना। बस 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल के इसमें डालकर इसको हल्का सा इसमें सेकना है। 1 चुटकी नमक की मैंने डाली है और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल के डाले हैं और इसको हल्का सा सेक लगाना है ताकि इसके कच्चेपन की स्मेल ना आए, कच्चापन ख़त्म हो जाए इसका। इसे पहले हमने अच्छी तरह से धो के बॉयल कर लिया था, बॉयल करके हमने अभी इसको हमने फ्राई कर लेना है। देखिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, ये शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी रहती है उनके लिए और शुगर को बहुत कंट्रोल करती है। इसमें आयरन भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो खून की कमी को भी पूरा करता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आजकल ये बाहर के मौसम में अक्सर दुकानों पे आसानी मिल जाती है। कीमे को अच्छी तरह से भून लेंगे। घी निकल आया कीमे का, अब मैंने ये भी अलग से फ्राई कर लिया, अब मैं इनको मिक्स कर दूँगी। पानी नहीं इसमें हमने डालना बल्कि इसी तरह हमने इसको दम दे देना है। 10 मिनट दम देंगे, हमारी कचनार तैयार हो जाएगी।